मीडिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया और हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जगदीश भारद्वाज जी। जगदीश भारद्वाज जी मशहूर गीतकार हैं, गजलकार हैं, विभिन्न विधाओं में लिखते भी हैं, आध्यात्म के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका। नमस्कार सर। जगदीश जी आप गीतकार भी हैं, गायककार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और अध्यात्म से भी जुड़े हैं, बेसिकली आप हैं क्या? देखिए बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक समय पहला शौक संगीत ही था और संगीत को मैं ये मानते हुए चलता था कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो छेड़े राग मधुर रोगी को मिले आराम। तो संगीत मेरा पहला शौक रहा और शौक कहूँ या एक तो शौक कहना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि अब तो ये मेरे जीवन की एक शर्त है संगीत जी। तो आप मुझे मुख्यतः संगीत से ही जोड़ सकते हैं। साहित्यकार होने के बाद, संगीतकार होने के बाद आपके आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए सर, आध्यात्म के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं कुछ सोचने समझने के लायक हुआ तो ये ईश्वर की कृपा रही कि मैं ईश्वर के महत्व को समझा और मुझे ये लगा कि आध्यात्म वो रास्ता है, वो मार्ग है कि जिससे हम अपने आप को, परमात्मा को समझ सकते हैं या आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। तो बचपन से ही मैं इस ओर भी जुड़ा। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि सर आपने पूछा प्रवीण जी कि कैसे जुड़े। जब मैं 9th class में पढ़ता था तब मैंने पहली बार, अब जो ओशो हुए उससे पहले भगवान रजनीश हुए, उससे पहले जो आचार्य रजनीश कहलाते थे, मैंने उनकी पहली पुस्तक पढ़ी प्रेम है द्वार प्रभु का और तब से मुझे ऐसी लगन लगी कि आप समझ लीजिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से लेकर के विभिन्न विभिन्न संस्थाओं को मैंने, ये समझो इसे अपना सौभाग्य कहूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचा, उनके दर्शन को समझा और आध्यात्म से जुड़ा ही हूँ, निरंतर जुड़ा हूँ सर, ये यात्रा अनंत है। जगदीश जी साहित्य और अध्यात्म इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए सर, साहित्य में बहुत सारी दिशाएं हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि सर साहित्य समाज का दर्पण है, अब हम कौन से रास्ते को चुनते हैं, साहित्य में हम कौन सा साहित्य, या एक शब्द कहूँ, एक शब्द सद साहित्य, अगर हम सद साहित्य की ओर मुड़ेंगे तो उसी में फिर अपने आप आध्यात्म तक पहुँच जाएंगे। आध्यात्म तो मैंने जैसे कहा ना कि परम लक्ष्य है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर पहुँच कर आदमी आध्यात्म की आवश्यकता अनुभव करता है। जगदीश जी आपने एक बात कही सद साहित्य, लेकिन सद साहित्य जो है वो आम जन से बहुत दूर होता जा रहा है जबकि लुगदी साहित्य आम जन में ज़्यादा पहुंच बना रहा है। सर इसके विषय में तो मैं भी यही कहूँ जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य की ओर मुड़ रहे हैं और जबकि अगर हम देखें कि पाश्चात्य वाले हमारी संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं। देखेंगे ना कि अभी मेरे को कहीं याद आ रहा है कि मैंने किसी शायद विदेशी महिला जो वहाँ की सर्वोच्च अधिकारी थी वो साड़ी में उन्हें साड़ी पहन करके सुकून मिला और हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी महिलाएं किस ओर जा रही हैं या हमारे जो पूरा युवा पीढ़ी है उसकी सोच किधर जा रही है, पाश्चात्य की ओर। हमें उन्हें वापस
अपनी संस्कृति से जोड़ना होगा, अपनी संस्कृति से जोड़ना होगा। और सर इसके लिए मैं माफ़ी मांगते हुए कहूँगा, एक मुझे अपने मित्र की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं, आने के आसार नहीं, यही जिम्मेदार हैं इसके। क्या हम जिम्मेदार नहीं? हम अपने बच्चों को किस दिशा में मोड़ रहे हैं? आज जबकि ये कहा जाता था सर कि सूर्य उदय होने से पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, आजकल हाल क्या है? भारतीय संस्कृति से बच्चे दूर क्यों होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? सर दूर नहीं होते जा रहे, यहाँ आपका प्रश्न सही है, मैं आप ही के प्रश्न को सही मानूंगी, दूर क्यों होते जा रहे हैं? वो दिशा भटक गए हैं, वो अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ गए हैं, उन्होंने उसी को अपना लक्ष्य मान लिया है, या ये समझ लीजिए कि उसकी चकाचौंध में खो गए हैं और अपनी संस्कृति के महत्व को भूल गए हैं, अपनी थाली के खाने को छोड़ करके दूसरे के थाली में झांक रहे हैं और वहाँ सर किसी को कुछ नहीं। जगदीश जी, इसके निदान के लिए साहित्य में क्या बदलाव होने चाहिए आज के समय में? कि अपवाद हर बात के होते हैं, अपवाद हर बात के होते हैं और अपवादों को नमन है सर। जो अपवाद होते हैं, इस परिस्थिति में भी अपवाद सिद्ध होते हैं, उन्हीं को नमन है सर। वरना आजकल ज़्यादातर लोगों को खुद ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं या हम क्या लिखना चाहते हैं, हमारे सामने लक्ष्य क्या है। जब आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपके सामने लक्ष्य क्या है, तो हम दूसरों को क्या राह दिखाएंगे। हमें फिर वही शब्द जो है ना सर, सद साहित्य, उसकी ओर मोड़ना ही पड़ेगा। मैं कई बार सर कार्यक्रम करता हूँ, आध्यात्मिक कार्यक्रम भी करता हूँ और धार्मिक कार्यक्रम भी करता हूँ संगीत के, तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधता है और मैं लोगों को कहता हूँ कि यही बात साहित्य पर भी लागू होगी सर, यही बात साहित्य पर भी लागू होगी कि भक्ति में, आध्यात्म में, संस्कृति में, साहित्य में मनोरंजन हो जाए अच्छी बात है, मनोरंजन हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जब आध्यात्म भक्ति साहित्य का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन ही रह जाए तब हमें सोचना पड़ता है सर, यहाँ तब हमें सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ता है कि हम परोस क्या रहे हैं। हमें वो ही परोसना चाहिए, हमें वही परोसना है पाठकों को कि जिससे पाठकों का कल्याण हो, सिर्फ मनोरंजन ना हो। जगदीश जी, ट्रू मीडिया के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर साहित्य की बात चल रही है, संगीत की बात चल रही है, आध्यात्म की बात चल रही है, मेरे ज़रिए ये तीनों ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य तय करना है, सबसे पहले हमें लक्ष्य तय करना है और कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है। जब हम अपनी दिशा तय कर लेंगे तो हमें रास्ते भी मिलेंगे। आपके द्वारा प्रवीण जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुद लक्ष्य तय करके और उसमें ईमानदारी से उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। सर मैं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ अपनी ही पंक्तियों के द्वारा कि अमल नहीं है उस पे अगर तो पढ़ा लिखा सब धूल है, बिना अमल के ज्ञान ये सारा एक कागज का फूल है, और पल पल डोलता बिखरा जीवन, पल पल डोलता बिखरा जीवन सफल कभी नहीं हो सकता, लक्ष्य वही पाते हैं जिनके जीवन में उसूल हैं। ट्रू मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका भी,